हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों आज जुमा है तो आप सभी को जुमा मुबारक। चलते हैं जुमा पढ़ने के लिए। बहुत दिन बाद काफ़ी अच्छा मौसम हुआ है। 15 से 20 दिन हो चुके हैं। तो चढ़ते पर नमाज पढ़ लेते हैं। भाई साहब ये इंडियन फ्लैग का ही लहरा रहा है हवा में, पूरा देख रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में भी। तो चलते हैं। तो दोस्तों नमाज हो चुकी है और यूसुफ भाई हमारे तो अभी घर पे आ गए हैं। घर पे ये जल्दी जल्दी हमें काटना पड़ेगा, जो कि इसकी शाखा है, ब्रांचेज हैं, जो कुछ एक्स्ट्रा निकल चुकी है उसको काटना पड़ेगा। तो फिलहाल जल्दी से काटते हैं। दादा आने से पहले ना, दादा आएंगे तो लफड़े हो जाएंगे। दादा या अब्बू देखेंगे चिल्लाएंगे, बोलेंगे काटने के लिए मना करते हो। दादा खाना खा लीजिए। दादा हाय हाय, इतना सुकून। तो दोस्तों शाम के 5 बज चुके हैं और मैं नाना नमाज पढ़ के आ चुके हैं सर की। ये मार्केट में थोड़ा नाना जो नारियल लेकर गए थे 2-3 दिन पहले, तो उसमें पानी नहीं निकाल पा रहे हैं, मतलब काट नहीं पा रहे, तो इसलिए दोबारा लाए दुकान पे तो उसको कट कराने के लिए। तो फिलहाल उसको ही कट करा रहे हैं। और इधर मार्केट में, चांदपुरी मार्केट में नारियल जो कि 70 रुपये हैं, कहीं कहीं 60 रुपये भी हैं। और ये रही नाना के बसंती जो कि भी लिए है जल्दी। वाओ ब्यूटीफुल। और हमारे नाना यहाँ पर खैनी बना रहे हैं, सुरती बना रहे हैं, जिसे खैनी बोला जाता है। तो चलते हैं बसंती को स्टार्ट करते हैं। और भी सामान हमें लेना है तो उसके बाद हम फल की दुकान पर आ गए, जो कि सेब लेना है ना लेना है ना बड़ौती में खाने के लिए। अभी वही हिसाब किताब करेंगे अपना। मैं चुपचाप गाड़ी चला रहा हूँ, काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, बोरिंग भी हो रहा है। आगे भाई ये खुरमा और ये रहा भरू का कुल्हड़ मिट्टी का खिलौना। उसके बाद आगे हम रोहित भाई के यहाँ चाउमीन लेने के लिए, मतलब चाउमीन की दुकान है बट हम लेंगे यहाँ से ब्रेड पकौड़ा। उसके बाद हमारे नाना गायब हो चुके हैं, उनको खोज रही है हमारी नज़रें, बस काफ़ी देर से गायब है, मालूम ही नहीं पड़ा कहाँ पर गए हैं, बताया भी नहीं कहाँ जा रहे हैं। तो दोस्तों ये रहे हमारे नाना मिल गए, ये यहाँ पर मेरे दोस्त से बात कर रहे हैं, बताया भी नहीं कहाँ जा रहे, चल दिए, जब से ढूंढ रहा हूँ मैं इनको। चलते हैं घर पे। घर पे जाते वक्त हमें यूसुफ मिला, हमारा छोटा भाई जो कि कोचिंग से आ रहे हैं। तो दोस्तों घर पे आ चुके हैं और नाना यहाँ पर हैं, सामान गिन रहे हैं कितनी गठरी हुई है। और ये हरियाली काफ़ी शानदार लग रही है बरसात के मौसम में। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बसने आई और मैं कुछ और चीज़ की वीडियो बनाने वाला था, कहीं जाने वाला था, उसका वीडियो शूट करने वाला था, बट नाना मुझे ले चले गए बाज़ार मार्केट करने के लिए, तो कुछ बना नहीं पाया। नाने के साथ ही जो घूम रहा हूँ उसका ही वीडियो बना दूँ। आई होप ये छोटा सा विलेज ब्लॉग आपको पसंद है। ब्लॉग पसंद लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, मैं जल्दी कुछ आपके लिए नया लाने वाला हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के लिए पसंद आई, फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ।